Ali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are proceeding with our third question. What we have? Let's see. Check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y is equals to 4. ये हमारा equation है and which are not. तो यहाँ पर मेरे पास 5 कुछ solutions given है. I don't know कि whether they are the solutions or not. अभी हमें ये surety नहीं है ये सभी इसके इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें इसे फाइंड करना है. फाइंड कैसे करना है? सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे. अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है देन वी कैन इजीली से कि जिसको भी हमने चेक किया है कि दैट इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, सो कैसे करते हैं? फर्स्ट पार्ट के साथ प्रोसीड करते हैं. फाइन, सो व्हाट वी हैव एज फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास? वी हैव 0 एंड 2. सो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि पहला वैल्यू जो आपका है वो एक x को डिनोट करता है और सेकंड वैल्यू y को डिनोट करता है. तो दैट मींस कि x का वैल्यू यहाँ पर मुझे 0 रखना है और y का वैल्यू 2 रखना है. ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे? हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. सिर्फ इस एक्सप्रेशन को मैं निकालूंगी. अगर ये एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड के टर्म से इक्वल हो जाता है देन आई विल से दिस इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास? x माइनस 2y. x कितना है? x वी हैव एज 0, y वी हैव एज 2. सो हमने यहाँ पर 0 रखा, 2, एंड देन y कितना है हमारे पास? 2. क्या हमारे पास आ रहा है? 0 माइनस 2 इंटू 2, 4 आ गया. ठीक है, सो 0 माइनस 4 क्या आ गया? माइनस 4. क्या हमारा माइनस 4 प्लस 4 की इक्वल है? नो, वी कैन सिंपली राइट दिस इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे वो हमारे राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. सो अपना इस सॉल्यूशन के आगे, इस फर्स्ट पार्ट के आगे हम क्या लिखेंगे? That 0-2 is not a solution. ठीक है, चलो अब प्रोसीड करते हैं. सेकेंड पार्ट का आंसर आप मुझे देने वाले हो कमेंट सेक्शन में. अगेन आई एम प्रोसीडिंग विद दी थर्ड पार्ट. इसी तरीके से एक बार थर्ड पार्ट भी करके देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स डू इट हियर. व्हाट वी हैव एज थर्ड पार्ट, आई हैव 4 एंड 0 टू चेक. ठीक है, सो मेरे पास इक्वेशन क्या है? अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है. x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. तो इससे कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. प्लस क्वेश्चन करने का एक सही तरीका यही है दैट फर्स्ट राइट द इक्वेशन एंड देन प्रोसीड. ठीक है, चलो सो अब क्या करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? उल्टे हाथ पे हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसी को हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं. So what we have x as 4, ठीक है, 4 minus 2 into 0. तो क्या आ जाएगा? 4 minus 0 equals to लगाते चलो और यहाँ पर 0 आ गया. Now sorry 4 आ गया. So this 4 is equals to our right hand side term. ये जो हमारा left side से 4 आया है ये हमारे right side से match करता है. इसलिए हम थर्ड पार्ट के लिए भी क्या कह पाएंगे? दैट 4 एंड 0 इज द सॉल्यूशन. ये हमारा इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है. ठीक है, इस तरीके से आपको इनको आंसर करना है. ठीक है, चलिए अब प्रोसीड करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ. व्हाट वी हैव? रूट 2 एंड 4 रूट 2. चलो ये भी देख लेते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन अगेन. So here we are doing part number 4. Part number 4 में हमें जो values लेनी है that is root 2 and 4 root 2. Equation है हमारे पास x minus 2y is equals to 4. ठीक है, x की value root 2 है रख दिया, y की value है where it is 4 root 2. 4 root 2 से multiply हुआ है. ठीक है, अब इसे क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर लिख लेते हैं. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे कर रहे हैं? रूट टू माइनस टू इंटू रूट टू इंटू फोर. तो
what we are going to do here, root 2, solve karenge, 2 into 4, 8, root 2. ठीक है, अब दोनों साइड से हमें दिख रहा है, हम अपने root 2 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, what we have, यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, root 2 into 1, तो हमने उसमें से root 2 बाहर ले लिया, what we have left as 1, then यहाँ पर हमारे पास 8 बच जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया, अब क्या आ गया हमारे पास, root 2, and then we can solve it, minus 7, so ultimately जो मेरे पास आंसर आया है, that is minus 7 root 2. क्या ये हमारे right side से match करता हुआ हमें दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है? So we can simply write it is not equals to right hand side. That is why ये जो हमारी terms थी, ये जो हमारा x और y की values थी, they are not a solution of the above equation. ठीक है? Now your fifth part is a homework to you. आप मुझे बताएंगे करके कि whether 1-1 will serve as the solution or not. ठीक है? तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.